हेलो गाइस नमस्कार दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत तो गाइस आप सभी लोगों का जो सूचना सहायक का पेपर है वो फाइनली हो चुका है आज सुबह दस से लेकर के आ, एक बजे तक 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे आप सभी को ताकि आप लोग पांचवा कॉलम भर सको बट मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पाँचवा कॉलम भरा होगा ठीक है क्योंकि ऑलरेडी एक से चार के बीच में आप लोग भर सकते थे नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी नहीं थी ठीक है दूसरा एग्जाम में जो अटेंडेंस थी वो उसका भी एक ट्वीट आ चुका है टोटल मिला करके लगभग लगभग पचपन प्रतिशत के आसपास थी यानी कि रफली रफली बात करूं एक लाख पैंतालीस में पैंतालीस हजार में से तो माने कि पचहत्तर हजार लोगों ने जो है वो एग्ज़ाम दिया था ठीक है अब देखो यहां पर बात क्या हुई है बात ये हुई है कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है सबसे पहले वो जो स्टैंडर्ड रहा है ना वो जी जो था जब 2018 में सूचना सहायक का पेपर हुआ था ना तब तो एक बहुत बड़ा एक माहौल था कि सर जीके वालों का सिलेक्शन हो गया क्योंकि जीके बहुत बड़ा नंबर का था ठीक है इस बार जीके जो है केवल और केवल आठ से दस प्रश्नों तक सीमित कर दिया रीजनिंग जो है वो दस से पंद्रह प्रश्नों तक सीमित कर दी मतलब प्योर कंप्यूटर ही दिया गया था इस बार और जिन जिन स्टूडेंट्स के कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस को जिन्होंने अच्छा पढ़ा था उन सभी लोगों का जो है पेपर बहुत अच्छा हुआ हम देखते हैं पेपर को पेपर में क्वेश्चन कैसे थे और क्या संभावित आंसर जो है उनके हो सकते हैं ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं पेपर को हम लोग ध्यान से देखिएगा आराम से समझिएगा पेपर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन संख्या फर्स्ट सबसे पहला प्रश्न देखो इस पेपर के अंदर जितने भी टिक लगाए हुए उनके ऊपर आपको नहीं जाना है मैं आपको जो बता रहा हूं उनको देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न यस yes, सबसे पहला प्रश्न है कि आ, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एम फाइल बना सकते हैं प्रश्न को देखिएगा यह कह रहा है कि क्या हम कैन लगाया क्या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एम फोर फाइल बना सकते हैं हां बना सकते हैं जब आप लोग एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट में जाकर के आप लोग फाइल फॉर्मेट में जाकर के एम फोर वहां पर चूज कर सकते हो ठीक है सीधी बात तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एमपी फोर बनाया जा सकता है रिपीट इस पेपर में जो टिक है उन पे, उन पे पे ध्यान मत दीजिएगा जो मैं टिक करवाऊं तो सबसे पहला हो जाएगा हा हम लोग जो है यहां पर एम पी फोर बना सकते हैं पावर पॉइंट में जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर फॉर्मेट पूछे जाते हैं उस फॉर्मेट में एमपी फोर होता है और एक वीडियो क्लिप जो है आप पूरी प्रेजेंटेशन की बना सकते हैं ठीक तो है तो क्वेश्चन फर्स्ट राइट आंसर पावर पॉइंट में एम पी फोर फाइल जो है बन सकती है ठीक है दूसरा प्रश्न

बायोज का सबसे पहला स्टेप होता है पोस्ट जिसे हम लोग कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है उसका अगर हम ऑप्शन मैच करें तो सबसे पहला ऑप्शन है यहां पर पांच ठीक है उसके बाद में इसे मुख्य मेमोरी में भरा जाता है यानी कि इसे लोड किया जाता है मेन मेमोरी के अंदर ठीक है इसे लोड किया जाता है मेन मेमोरी के अंदर तो सिंगल सीधा सीधा ऑप्शन सही हो गया फाइव फोर टू थ्री वन यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सवाल था एमएस डोस का क्वेश्चन नंबर दो उसके अंदर हो जाएगा फाइव फोर थ्री टू वन सीधा सीधा और ऑप्शन जो है आप लोगों के पास में टू थ्री वन बी ऑप्शन ठीक है एमएस डोस का बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या थर्ड तीसरा कहता है कि ये डायग्राम है इसको ध्यान से देखिए इसमें ये क्या बता रहा है तो इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमें ये चित्र है जैसे ये वाला चित्र और ये वाला चित्र ध्यान से देखिएगा कि जब यहाँ से हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं या जो सेलेक्शन होता है तो यहाँ से चीज़ आ करके वापस यहाँ पर आ रही है ठीक है यहाँ से भी देखें तो नो होने पर जो है वापस ये यह यह यहाँ पर आ रहा है मतलब ये क्या कर रहा है ये चीज़ों को रिपीट कर रहा है ये चीज़ों को रिपीट कर रहा है यानी कि यहां पर आंसर आपका हो जाएगा डी ये रिपीट कर रहा है आउटपुट ये है जो बाहर जाएगा ये आउटपुट है लेकिन वापस चीजों को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है तो इसे हम लोग रिपीटेशन कहते हैं इसे हम लोग जो है वो रिपीटेशन कहते हैं क्वेश्चन संख्या चार नाइन्थ uh, क्लास का स्टूडेंट है बैंक जाता है उसे वहां पर सीरियल नंबर मिलते हैं चेक के नीचे जहाँ पर वो चेंज करने की कोशिश करता है वहां पर कुछ हुआ नहीं फाइनली जाकर के सीधा सीधा आंसर है कि माइकर कोड है वो बैंक के चेक के ऊपर जो कोड होते हैं उनकी बात कर रहा है तो इसे एम आई सी आर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोगशन जो है हम लोग कहते हैं क्वेश्चन संख्या चार राइट आंसर ए पांचवा नंबर प्रश्न यहां पर देखिएगा पांचवा एक प्रश्न आपका रीजनिंग का प्रश्न था एबीसीडी लोग बैठे हैं ठीक है यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए या आप लोग देख लेना भाई रीजनिंग में ए कैसे आया ठीक है राइट आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन संख्या छ ऑप्टिकल माउस जो है वो लाइट एमिटिंग डायोड का यूज करता है लाइट एमिटिंग डिवाइस लिखा है यहां पर हो जाएगा डायोड तो जो आपका ऑप्टिकल माउस होगा तो वहां पर आंसर हो जाएगा डी यानी कि डायोड का यूज करता है ठीक है क्वेश्चन संख्या क्वेश्चन संख्या छ राइट आंसर डी यानी कि डायोड ई मॉडल में कितनी लेयर होती है लास्ट टाइम 2018 में पूछा था पहली परत इस बार पूछ लिया टोटल यानी कि सेवन लेयर जो है आप लोगों के ओएसआई मॉडल में होती है आठवा कहता है आई डी ई का पूरा नाम क्या है आई डी में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट तो दे दिया ई फोर होता है एनवायरमेंट यानी कि क्वेश्चन संख्या आठ आई डी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट यानी ई ऑप्शन सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन संख्या नो No, कहता है कि लेन में कनेक्टिविटी जो होती है वो या तो वाईफाई से कर सकते हो या फिर किसके द्वारा कर सकते हो केबल टीवी मोबाइल रेडियो छोड़ो आपका सीधा आंसर हो जाएगा इथरनेट की केबल होती है उसके द्वारा आप लोग जो है ये काम कर सकते हो इथरनेट की केबल से ये काम कर सकते हो क्वेश्चन संख्या दस क्यू आर कोड जो होता है वो तीन बिट का होता है ये वाला प्रश्न पूछा था लास्ट टाइम वुमेन सुपरवाइजर में इस बार पूछ लिया कि तीनों डिजिट होते कैसे हैं कहाँ पर होता है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पहला यहाँ पर दूसरा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि भाई पहले दो ऊपर की भुजाओं में होते हैं तीसरा कहाँ पर होता है तो तीसरा होता है लेफ्ट में जो तीसरा बिट होगा वो होता है लेफ्ट के अंदर क्लियर क्वेश्चन संख्या दस राइट आंसर आपका बी क्वेश्चन संख्या आईपी सिक्योरिटी जो है इसका यूज हम लोग वीपीएन में करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में करते हैं आईपी सेक जो है आईपी सिक्योरिटी जो है उसका यूज वीपीएन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में किया जाता है क्वेश्चन संख्या ग्यारह राइट right आंसर डी बारवा 2021 में भारत की सोलहवीं जनसंख्या जो है जनगणना हुई है तो सबसे पहले जनगणना जो थी वो कहाँ हुई थी कब हुई थी तो वो हुई थी अट्ठारह में स्टार्ट वैसे अठारह माना जाता है लेकिन ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर तो अठारह को सही माना जाएगा वन एट सेवन टू यहाँ पर आपकी पहली जनगणना हुई थी क्वेश्चन संख्या तेरह देखो रीजनिंग का सवाल है क्वेश्चन संख्या तेरह कि <coughs> Uh, माला का पिता है शीला का बेटा है ये कौन सा आंसर होगा ये हो जाएगा कि ये जो शीला है वो विजय की भाभी हो जाएगी ठीक है शीला विजय की भाभा जाए ठीक है पैन कार्ड देख कर दिया था बहुत बढ़िया क्वेश्चन संख्या फोर्टीन नेट बीन्स जो है वो विजुअल कंपोनेंट होते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने देखो आप किसी भी चीज़ को बड़ा कर सकते हो किसी भी चीज़ को खींच करके लंबा कर सकते हो तो ये जो चीज़ है वो होती है रेडियो बटन में देखो डी बगर की पैड या प्लग नहीं कि जिससे आप लोग क्या कर सकते खींच कर छोड़ने का काम कर सकते हो आप इन्हें लंबा छोटा कर सकते हो नेटबिन एक एनवायरमेंट है जहां पर आप लोग काम करते हो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा रेडियो बटन क्वेश्चन संख्या पंद्रह अगेन एक रीजनिंग का सवाल है रवि सचिन कुणाल और गौरव वाला इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका गौरव ठीक है क्वेश्चन संख्या आ जाएगा आपका यहां पर देखिएगा सोलह पब्लिक क्लास पर्सन

बात कर रहा है ये बात कर रहा है पब्लिक की ये बात कर रहा है पब्लिक की क्लियर क्वेश्चन संख्या सोलह राइट आंसर बी पब्लिक सत्रह अगेन चार स्टूडेंट्स का सवाल है एक बेंच पर बैठे हुए हैं वो स्टूडेंट रिमेन मतलब चार चार बैठते हैं तब तो आपकी बेंच एक बच जाती है और तीन तीन बैठते हैं तो तेबिस स्टूडेंट कुछ रह जाते हैं क्वेश्चन संख्या सत्रह रीजनिंग का प्रश्न था राइट आंसर राइट आंसर अठारवा नंबर प्रश्न द्विआधारी अंक जो होता है यानी कि बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर सबसे दाई ओर का अंक क्या है तो देखो बाइनरी में सबसे इधर होता है एल एस बी जिसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं सबसे राइट में होता है एमएसबी जिसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं हमें पूछा है सबसे राइट में तो सबसे राइट में होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगला बाइनरी फाइल कंटेंट मशीन रीडेबल करेक्टर और मशीन रीडेबल होता है या तो जीरो या तो वन ठीक है बीसवा प्रश्न बीसवा प्रश्न कहता है कि जिस प्रकार से तापमान का यूज तापमापी के द्वारा किया जाता है तापमान को नापने में तापमापी का यूज किया जाता है ठीक इसी प्रकार हम किसका यूज कर सकते हैं हाइट बैरोमीटर वाटर मिल्क लेंथ स्केल बैंक मनी तो लेंथ और स्केल जो है लेंथ को मापने के लिए हम लोग एक स्केल यानी कि एक पैमाना यूज में लेते हैं लंबाई को मापने के लिए पैमाना यूज में लिया जाता है ठीक है राइट right आंसर आपका सी अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 21 नंबर 2017 के दौरान यह बहुत प्यारा प्रश्न है क्रिप्टो क्या हुआ था एक मालवेयर आया था और उसने क्या हुआ था कि बहुत सारे अकाउंट हैक कर करके कर वहां से क्रिप्टो करेंसी मांगी थी इसे बोला गया था इसको जो ये जो विक्टम हुआ था इसे कहा गया था वाना क्राई ये देखो यहाँ पर किसी ने क्रिप्टो क्राई किया क्रिप्टो क्राई नहीं है ये वाना क्राई है ठीक है क्वेश्चन संख्या 21 वाना क्राई नाम जो है उसे दिया गया था और वो जो मालवेयर था उसने दो लाख कंप्यूटर हैक कर है क्रिप्टो करेंसी को डिमांड किया था क्लियर क्वेश्चन संख्या 21 वाना क्राई हो जाएगा यहां पर क्रिप्टो क्राई नहीं होगा ठीक है बाईसवा जॉर्ज मसीह जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से न्यायाधीश बने हैं क्वेश्चन संख्या बाईस राइट आंसर आपका हो जाएगा इकतालीसवे न्यायाधीश बने हैं फोर्टी फर्स्ट न्यायाधीश है ना तेबीस प्रश्न फीफो का पूरा नाम क्या होता है फीफो यानी कि क्यू में फॉलो किया जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है फीफो का पूरा नाम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो का पूरा नाम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ठीक है अगला प्रश्न सो so, हम ये एमएस वर्ड के बारे में पूछा है अगेन सवाल कि भाई जो डब्ल्यू वाई एस डब्ल्यू वाई जी है उसका पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम है वॉट यू सी इज वट यू गेट वॉट यू सी इज वट यू गेट एमएस वर्ड का जो पूरा नाम है डब्ल्यू वाई एस डब्ल्यू वाई जी उसका पूरा नाम है ठीक है अगला प्रश्न है राउंड रोबिन जो है वो किस प्रकार की शेड्यूलिंग है उसे प्रेमटिव शेड्यूलिंग कहा जाता है राउंड रोबिन प्रकार की शेड्यूलिंग मेथड है प्रकार की मेथड है अगला अज्ञात संख्या बतानी है आप लोगों को प्रश्न संख्या 26 में अगेन रीजनिंग का सवाल था राइट right आंसर आपका आएगा यहां पर 342 अगला आईडी जो है वो बेसिकली एक एनवायरमेंट है टू लाइक like, जिसमें टेक्स्ट एडिटर भी आता है कंपाइलर भी आता है डी बगैर भी आता है सत्ताईस का सारे ऑप्शन सही है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आई आपको एडिटर भी देता है कंपाइलर भी देता है डी बगैर भी देता है ठीक है अट्ठाईस प्रश्न विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अवेयर टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम मालवेयर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का तरीका नहीं है ध्यान से देखो रेगुलर बैकअप लेना चाहिए फायरवॉल होना चाहिए पब्लिक वाईफाई नहीं यूज करना चाहिए ओपनिंग द पॉपअप तो पॉपअप ओपन करने से कंप्यूटर वाल मालवेयर से सुरक्षित नहीं रह सकता ठीक है अट्ठाईस नंबर प्रश्न राइट आंसर बी उनतीसवा प्रश्न देखो भाई तीस प्रश्न कहता है एक नेटवर्किंग उपकरण है जो गंतव्य पते को डेटा पैकेट से बाहर निकालता है और उन गंतव्यों की खोज करता जहां है जहां पैकेट भेजना मतलब आई एड्रेस का ज्ञान होता है इसे पता है कि भाई मुझे अगर कोई डेटा भेजना है तो वो कहाँ भेजना है इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर स्विच क्वेश्चन संख्या उन्तीस स्विच वो डिवाइस होगी जो पता लगा करके डेटा भेजती है ऐसा नहीं कि हब के जैसे ब्रॉडकास्ट कर देगी राइट आंसर आपका उनतीस का डी यानी कि स्विच तीस नंबर प्रश्न है कि भाई आप लोग कंप्यूटर में जो है वो पेन ड्राइव है वो कहाँ लगाते हैं वो लगाते हैं यूएसबी के अंदर यूएसबी स्लॉट होता है यूएसबी जो पोर्ट होता है वहां पर आप लोग लगाते हैं ठीक है अगला प्रश्न है आप लोगों का प्रश्न संख्या इकतीस देखो क्या कहता है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सिमरत को ऑनलाइन साइट की एक लिस्ट बनानी है जिसे बाद में एक स्टूडेंट द्वारा और अपडेट किया जाएगा इस लिस्ट को तैयार करने के लिए वर्ड की कौन सी विशेषता देखो जब आप लिस्ट बनाओ तो दो ही चीजें आपके पास में या तो आप लोग आ, बुलेट लगाओ या तो आप लोग नंबर बनाओ लेकिन यह बोल रहा है कि भाई कौन सी विशेषता उपयुक्त है यानी कि बेस्ट सुटेबल तो बेस्ट सुटेबल में हम लोग यहां पर जो है वो बुलेट की बजाय नंबर यूज करेंगे ताकि आराम से हम लोग हमारे डेटा को चेक कर सकते हैं किस नंबर पर और किस नंबर पर नहीं है ठीक है बत्तीसवा प्रश्न बत्तीसवा प्रश्न कहता है कि भाई डिजिटल युग में आपका डेटा जरूरी है लाखों डेटा का निर्माण होता है बाद में प्रॉब्लम्स भी भी आ जाती है है डेटा डेटा आपका करप्ट हो जाता डेटा को आप लोग गैर कानूनी तरीके से कुछ लोग आपके डेटा को यूज भी कर लेते हैं तो इनसे बचने के लिए आप लोग क्या करें अपने जो भी सॉफ्टवेयर है अपने जो भी प्रोग्राम है उनका कॉपीराइट रखें ठीक है लाइसेंस अलग बात है ट्रेडमार्क सामान की मिलती है आईपीआर प्रॉपर्टी का मिलता है ठीक है तो यहां पर हो जाएगा कॉपी राइट मिस्टर uh, बीकाना जो अभी हुआ था कैमल फेस्टिवल 2023 उसमें मिस्टर बीकाना जो है वो किसे चुना गया था प्रश्न संख्या 33 राइट आंसर है आपका रविंद्र जोशी रविंद्र जोशी चौंतीस नंबर प्रश्न डेटा के तार्किक दृष्टिकोण को उसके क्रियान्वयन से पृथकीकरण है मतलब डेटा एब्स्ट्रैक्शन यानी कि लॉजिकल व्यू को छुपा लेना वास्तव में क्या हो रहा वो वो बताना वास्तव में जो लॉजिकल व्यू उसे छुपा लेना और जो काम हो रहा है वो वो बताया जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन चौतीस नंबर प्रश्न राइट आंसर सी पैतीस राजस्थान के सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे वो थे आई डी दुआ आई डी दुआ अगला छत्तीस नंबर प्रश्न देखो एल सी डी पैनल और फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूज इज द प्रॉपर्टी देखो एल सी डी जो है और फ्लैट पैनल इन दोनों की सबसे पहली खास बात है कि ये दोनों के दोनों पतले होते थिक होते तो साइज तो कम ज्यादा होती रहती है मैटर नहीं करता फिटर ला, आ, लाइट नहीं थिकनेस इन दोनों की सबसे बड़ी जो खास बात है वो है इनकी थिकनेस इनकी ये जो है ये पतले होते हैं ठीक है चलिए सैतीस नंबर प्रश्न मार्च सत्रह दो हजार तेईस को जो है पचास जिले और संभाग बनाए गए थे तो कौन सा संभाग जो है वो नहीं बनाया गया था तो डूंगरपुर जो है वो संभाग नहीं बनाया गया था बाकी पाली सीकर बांसवाड़ा संभाग बनाए गए हैं ठीक है अगला 38 नंबर प्रश्न है आपका मैथ्स का तीन से एक बटा आठ एक से तीन बटा दो तीन से तीन बटा चार इनका सोल्यूशन निकालना था इनका सोल्यूशन आप लोगों का हो जाएगा सात सही उन्नीस बटा आठ सात सही उन्नीस बटा आठ ठीक है उनचालीस हा मेमोरी से प्राप्त डेटा या निर्देश डैश में स्टोर होता देखो दो चीजें होती एक होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जहां पर मेमोरी का एड्रेस रखा जाता है एक होता मेमोरी डेटा रजिस्टर जहां पर मेमोरी में जहां पर डेटा रखा जाता है हमारा प्रश्न है इंस्ट्रक्शन और डेटा फेस यानी कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शन निकाला वो कहां रखेंगे वो रखेंगे एमडीआर में ठीक है अगला प्रश्न जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है यानी कि जिसे हम लोग एस कहते हैं वैसा ही प्रकार आजकल हम लोग पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड में यूज में लेते हैं तो ये बोलता है कि इन वायरस स्टोरेज साइजेस में है हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं प्रिंटर कैशे कॉम्पैक्ट ड्राइव या पेन ड्राइव तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पेन ड्राइव पेन ड्राइव जो है उन्हें हम लोग सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं आज की तारीख में सॉलिड स्टेट के प्रकार के रूप में इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार बताओ तो लेजर इंकजेट और डेस्क जेट ये तो है आपके नॉन इम्पैक्ट बच गया एक डॉट मैट्रिक्स ये है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर क्वेश्चन संख्या 41 राइट आंसर ए संख्या टू ये देखिए जब आप लोग आई आप लोगों के पास में नहीं होता है आई डी तो क्या होता है कि सारी चीजें आपको एक जगह दे देता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट सारी चीजें एक जगह यहां पर क्या है दुख बोलता है कि जब आई नहीं होगा तो डेवलपर डवलप, हैज़ टू सेलेक्ट इंटीग्रेट एंड मैनेज ऑल ऑफ देम सब चीज़ों को अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास में आई नहीं है सारी चीजें एक साथ करने के लिए जगह ही नहीं है उसके पास में ठीक है फोर्टी विच द फॉलोइंग इज़ क्वालिटी यानी कि जो क्वालिटी वाला डेटा है वो कौन है 43 नंबर प्रश्न कौन सा है देखो एज ग्रुप नंबर है साइज ऑफ हाउस होल्ड नंबर है जेंडर ये भी क्वालिटी नहीं है आई कलर जो है वो अलग अलग हो सकता है किसी की लाल है किसी की काली है किसी की नीली है आंखों के हिसाब से हम लोग जो है गुणवत्ता निकाल सकते हैं ठीक है फोर्टी फोर इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन टू प्रोटेक्ट ए ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम एन अन ट्रस्टेड आउटसाइड नेटवर्क यानी कि प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी नेटवर्क से बचाना है तो हम लोग यूज करते हैं फायरवाल यहां पर किसी ने एस एस एल लिया था एस एस एल तो ब्राउजर के समय यूज में लिया जाता है, है ना एस एस एल ब्राउजर के समय लिया जाता है यहां पर फायरवाल होगा फायरवाल प्राइवेट को पब्लिक प्रोटेक्ट जो नेटवर्क होता है उससे बचाता है ठीक है चलो 20 परसेंट ऑफ 500 और एक्स परसेंट ऑफ 400 45 नंबर सवाल सीधा सीधा आंसर 25 हो जाएगा ठीक है चलो प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ये होता है जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में, में स्थित होता है देखो जिसे हम लोग कोर कहते हैं सबसे भीतरी भाग जो मेमोरी में है और परमानेंट वहीं पे रहता है है ना मेमोरी में स्थित होता है और वहीं पे रहता है जिसे हम लोग कहते हैं कर्नल हार्डवेयर से कनेक्टेड रहता है और हम लोग जो भी काम देते हैं इसको वो हमसे लेकर के आगे जो है काम करता रहता है ठीक है केंद्र और हार्डवेयर होता नहीं है नोड कनेक्टिविटी के लिए होता अब देखो एक कथन वाला है uh, कथन और निष्कर्ष uh, धारणा सॉरी बर्बरी ब्रांड जो है महंगा आता है धनी लोगों के लिए ये बोलता है कि भाई कई लोग धनी कहलाना पसंद करते हैं तो ये इससे मतलब नहीं है ठीक है जरूरी नहीं है ठीक है कोई भी जरूरी नहीं दूसरा यदि किसी के पास इस ब्रांड का पर्स नहीं है तो वह वे व्यक्ति धनी नहीं है तो ये भी भाई जरूरी नहीं है जरूरी थोड़ी है कि धनी होगा तो ये पर्स लेगा ही लेगा इसलिए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आ, ना तो पहली और ना ही दूसरी धारणा इसके अंदर है ठीक है बर्बरी वाले प्रश्न में दोनों ही धारणा इसके अंदर नहीं है है ना चलो फोर्टी एट नंबर प्रश्न देखो भाई ये कहता है कि देव जो है इस सीट में काम कर रहा है एक फॉर्मूला है ये वाला और ध्यान से देखिए ठीक है आउटपुट क्या होगा ये बोलता है कि अगर इस फॉर्मूले को कॉपी करता है इन रेस्ट ऑफ नाइन यानी कि नाइन मतलब हो गया यहां से लेकर के जय तक तो आउटपुट क्या होगा देखो सम ए के पीछे डॉलर है यानी कि ये लॉक है ठीक है ए एक सौ चौबीस यानी कि अगेन ए लॉक है तो जब यहां से लेकर यहां से नीचे खींचोगे आपका रो का नंबर जो है वो लॉक है जब रो नंबर लॉक है तो कोई चेंज नहीं होगा विल डिस्प्ले द सेम आउटपुट फॉर ईच फॉर्मूला इन ईच रो सारी रो में बराबर आउटपुट आएगा उसमें कोई भी चेंजेज आपका नहीं आएगा फोर्टी एट राइट आंसर आपका बी फोर्टी नाइन ये देखिएगा कि डेटा एंट्री ऑफिस में कंप्यूटर सेंटर जो है वो पहली और चौथी फ्लोर पे है एक पहली फ्लोर पे एक चौथी फ्लोर पे ठीक है हाउ एवर द सिग्नल टेक टाइम सिग्नल फिर भी जो है ऊपर से नीचे जाने में पहली से चौथी फ्लोर में जाने में जो है वो टाइम लगाते हैं पहली से चौथी फ्लोर में जाते हैं तो टाइम लगाते हैं ठीक है तो ये कहता है कि कौन सा हार्डवेयर जो है वो डेटा का ट्रांसमिशन इंप्रूव करेगा देखो भाई कंप्यूटर गलत है मॉडेम गलत है अब देखो राउटर और रिपीटर है राउटर तो रूट बताता है कि डेटा कैसे कैसे भेज सकते हैं और रिपीटर जो है वो वीक सिग्नल को लेता है और वीक सिग्नल्स को लेने के बाद में उन्हें वापस एम्पलीफाई करता है और फिर आगे भेजता है वीक सिग्नल को रिसीव करके एम्पलीफाई करके फिर आगे भेजता है ठीक है इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर हम लोग रिपीटर का यूज करेंगे राउटर तो केवल रूट बताता है राउटर तो केवल रूट बताता है रिपीटर डेटा को लेकर के मजबूत करके आगे भेजता है ताकि जल्दी जल्दी, जल्दी जो है ट्रांसमिशन या कनेक्शन जो है वो हो सके ठीक है पचास ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन मेजर 80 मीटर 64 सेंटीमीटर और 96 मीटर पचासवा नंबर प्रश्न राइट आंसर आप लोगों का यहां पर हो जाएगा क्या 960 सेंटीमीटर ठीक है दी गई श्रृंखला में गलत क्या है गलत है यहां पर 92। रीजनिंग वाले एक बार चेक कर लेना भाई ना चलिए अगला कि ये कहता है कि बाइनरी जो सर्च एल्गोरिदम है ये मानता है कि एरे में व्यवस्थित इकाई डैश है और ये मध की जानकारी पता लगता है कि आधे व्यू को तुलना के आधार मतलब क्या हुआ एक ऐसी पर्टिकुलर मेथड uh, जिसमें ये लगता है कि जितना भी डेटा है वो सारा का सारा एक सॉर्टेड है सारा का सारा डेटा सॉर्ट किया हुआ है और उसमें क्या किया जाता है या तो ये एक ही बार में uh, एरे को कर देता सही या फिर एक जो है आपका एक आधा एलिमिनेट करने का काम है बाकी लगभग लगभग लग, 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 एक ही बार में कर देता है तो इसमें जो डेटा है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में बी बोला जाता है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इसके अंदर जो है डेटा सॉर्टेड ही होता है ठीक है त्रेपन इंटरनेट पर सभी जानकारियां डैश विधि के द्वारा बहुत प्यारा छोटा प्रश्न बहुत बार रिपीट पैकेट के रूप में जो है डेटा ट्रेवल करता है इंटरनेट पर ठीक है अगला देखो ये आपका स्टेटमेंट और अजम्पन वाला है कथन और उत्तर कथन और उत्तर प्रश्न संख्या चौवन जिसमें आप लोगों को घनाबकार वो पूछा है कि आप यहां पर कैसे कर सकते हो लेंथ ब्रेथ और डेप्थ आपको दे दी या फिर डायगोनल दे दिया इससे कैसे कर सकते हो ठीक है ये देख लेना एक मिनट ठीक है चलिए यहां पर आ जाओ ये देखो ये अच्छा प्रश्न था सुमति को एक दिए स्प्रेडशीट में चिन्हित सेल का औसत निकालना देखिए ध्यान से देखिएगा उसे प्रत्येक पंक्ति का औसत उसे प्रत्येक पंक्ति का औसत और सभी कॉलम्स का योग दिखाना है और सेल ए वन से एच पर विचार करें उसके द्वारा प्रयुक्त सही देखिएगा अब देखो यहाँ पर जो है ना एक चीज देखिएगा ठीक है यहाँ पर इंग्लिश में ये कहता है कि एवरेज ऑफ इच रो एंड सम ऑफ ईच कॉलम शी ऑल्सो हैज टू डिस्प्ले द एवरेज ऑफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स अब यहां पर आते हैं प्रश्न में तो देखो ये कहता है कि प्रत्येक पंक्ति का औसत और सभी स्तंभों का योग दिखाना है सेल ए वन से एच सो पर विचार करो इसमें एक लाइन जो है गड़बड़ है इंग्लिश में ज्यादा है इंग्लिश में ये लाइन ज्यादा है शी ऑल्सो हैज टू डिस्प्ले द एवरेज ऑफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स जो यहाँ पर नहीं है जो यहां पर नहीं है कि सभी का औसत और वो दिखाना है नहीं है यहां पर है कि सारों का आ, रो का आपको जोड़ करना है और उसका आपको एवरेज निकालना तो वैसे यहाँ पर अगर इंग्लिश देखें तो बी ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा रो के लिए आप लोग एवरेज करोगे कॉलम के लिए सम करोगे और सारी रो और कॉलम के लिए एवरेज ए से एच तक ठीक है ये काम यहाँ पर कर सकते हो ठीक है चलिए आगे आ जाओ छप्पन नंबर प्रश्न भारत का पहला वक्रीय बांध कौन सा है क्वेश्चन संख्या छप्पन हाँ ये हो जाएगा इडुकी डैम इडुकी डैम जो है वो पहला वक्रीय डैम है प्रसन्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा सत्तावन में फेन आई डी क्यू एस ए टी यहाँ पर हो जाएगा वी डी डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा वी डी डब्ल्यू अब देखो एक के सामने एक ग्राफ दे रखा था इस ग्राफ के बेस पर चार प्रश्न आए थे जिसमें देख लेना भाई सभी स्कूलों में परीक्षा में फेल जो है वो 4750 है। नुपा चार हजार सात सौ पचास है ए और बी का अनुपात चार अनुपात तीन आया है ई e और डी का पाँच और और औसत प्रतिशत जो है वो छाठ प्रतिशत छह अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 201 से पूर्णतया विभाजित है और वो संख्या आपकी हो जाएगी 100 500 सबसे छोटी संख्या प्रश्न संख्या बासठ जो दो सौ से विभाजित होगी चलो ठीक है सी प्रोग्राम के लूप में डैश स्टेटमेंट लूप से बाहर निकाल देता लूप को छोड़ देता इसे बोलते हैं अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जिसे हम लोग ब्रेक कहते हैं ब्रेक जो है वो अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है ठीक है यहाँ पर आओ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द फाइल सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइल सिस्टम को क्या करने की अनुमति देता है ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनुदर रीअरेंज द कैरेक्टर्स ऑफ द फाइल्स क्रिएट एक्सेस मेंटेन ए डायरेक्टरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस चेंज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइल सिस्टम को ये अनुमति देता है कि क्रिएट करो एक्सेस करो मेंटेन एंड डायरेक्टरी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे प्रोवाइड करवाता है ठीक है बहुत सारे यहाँ पर एक्सटेंशन के आंसर बता रहे थे बट वो गलत है ठीक uh, है अगेन इंग्लिश रीजनिंग है स्टेशनरी को ऐसे लिखा जाता है तो एडवांटेजेस को कैसे लिखा जाएगा एडवांटेजेस को बी ए वी डी ए टी एन एस ई सी ये उल्टा है जैसे ए डी वी ए एन टी ए जी ई एस उल्टा जो है वर्ड इसमें स्टार्ट किया गया ये एडवांटेजेस हो जाएगा 66 अगेन देखो टेलीफोन को ऐसे लिखा जाता है तो मैसूर को कैसे लिखा जाएगा मैसूर को लिखा जाएगा आपका एफ एस पी टी जेड एन 66 का सी 66 का सी चलो अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर रिमोट लॉग इन रिमोट लॉग इन में किसका यूज किया जाता है टेलनेट को तो प्रोटोकॉल है अब एनी पीसी क्यों क्योंकि हम लोग जब रिमोट लॉग इन करते हैं तो हम किसी कंप्यूटर को कंप्यूटर भी तो चाहिए जैसे मैं आपके कंप्यूटर पे लॉग इन करूंगा तो वहां पर टेलनेट चाहिए लेकिन एनी पी भी तो चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर रिमोट लॉग इन तो पी और टेलनेट दोनों यहां पर चाहिए तीन और चार सड़सठ का ए के अड़सठ ये देखो किसी सॉफ्टवेयर में डेटा को संगठित किया जाता है ताकि खोज विधि में विभिन्न फाइलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सके इनमें से सॉफ्टवेयर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है जो डेटा को छांटने में मदद करती है ये बात कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की और उसके अंदर जो काम है वो कर रहा है किसका क्वेरी का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी की बात कर रहा है क्वेश्चन संख्या अड़सठ सिक्सटी नाइन मैश टोपोलॉजी में देखो मैश टोपोलॉजी के अंदर अगर आप लोगों को नंबर ऑफ वायर निकालने तो वो सूत्र सीधा यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है सिक्सटी नाइन का अगला क्वेश्चन सेवनटी दो स्टेटमेंट दे रखी है आप लोगों को बताना प्रश्न उसका कथन और अब देखो प्रश्न यह था आयत के चारों तरफ बाढ़ लगाने का खर्चा दस रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात करो पहला है लंबाई इतनी है दूसरा है कि आयत की चौड़ाई लंबाई की दो गुने तो देखो जब आप लोग क्षेत्रफल निकालोगे लंबाई गुणा चौड़ाई तभी आपका अगला काम होगा तो इसलिए दोनों ही कथन यहाँ पर जरूरी है ठीक है डी दोनों ही कथन जरूरी है अगला अगला अगेन आपका पाई चार्ट है इसमें देखो सीधा आंसर सी से जिले एफ में भेजे जाए वो प्रश्न में 660 है सी में डबल और डी में तीन गुना करें तो 660 आंसर आपका इसका भी 660 है इसका भी 660 है ठीक है सी और बी का अनुपात सात अनुपात चार है इसके अंदर सीधा सीधा और ई e और डी का अनुपात जो है और बी ए एफ इनका जब सात में अनुपात निकालते तो वो एक अनुपात एक आता है ठीक है चलिए यहाँ पर बात करें तो ये एनालॉग सिग्नल है जिनको डिजिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है पचहत्तर नंबर प्रश्न राइट आंसर डी छिहत्तर नंबर प्रश्न प्रत्येक एनआईसी कार्ड जिसे हम लोग मैक एड्रेस भी बोलते हैं ठीक है ठीके? और आ, मैक एड्रेस जो है उसका साइज कितना होता है बहुत बार पढ़े हैं अड़तालीस बिट का मैक एड्रेस होता है ठीक है रीजनिंग कोई बड़ी लेवल की नहीं है अगेन देखो आपका प्रश्न है कथन प्रश्न और कथन बीस अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन था तो केवल पहला ये स्टेटमेंट है कि भाई एक अक्टूबर को संडे था तो जब एक अक्टूबर को संडे था आपको ये पता है तो आप सीधा सीधा आंसर वहीं से भी निकाल सकते हो सीधा सीधा वहीं से भी निकाल सकते हो ठीक है तो डेटा इन स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट अगला सेवनटी एट अगेन स्टेटमेंट और कंक्लूजन है यह आपका आ, जो है सलोजिज्म जिसे बोला जाता है ये कहता है नो कैप इज सॉक्स सम कैप्स आर ग्लोव्स तो कोई भी कैप सॉक्स नहीं है और कैप्स जो है वो ग्लोव्स है तो ऑल ग्लोव्स आर सॉक्स ऑल सॉक्स आर ग्लोव्स और सम ग्लोव्स आर कैप्स ये तीनों ही चीज़ें जो है एक दूसरे को फॉलो नहीं करती ठीक है थीके? इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है कंक्लूजन तीनों ही गलत है अगला विच एमएलए वॉज गिवन द बेस्ट एमएलए अवॉर्ड सेवेंटी नाइन नंबर प्रश्न कौन जो है कौन से एमएलए को बीस मार्च दो हजार तेईस को सबसे बेस्ट विधायक दिया गया सम्मान दिया गया था वो थी अनिता भदेल। वो थी अनिता भदेल जो थी उसे बेस्ट विधायक बेस्ट एमएलए का पुरस्कार दिया गया था मायोपिया जो है वो किसका दूसरा नाम है तो मायोपिया जो है वो है आपका कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता मायोपिया वर्णांधता का दूसरा नाम है या दूसरा रूप है ठीक है चलिए इक्यासी यह कहता है कि फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड फॉर अ प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज अब देखो हाई लेवल लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो कौन सा स्टेप है यहाँ पर आप लोगों को स्टेप में से सीक्वेंस भी चूज़ करना है तो सबसे पहला देखो क्या होता है कि सोर्स प्रोग्राम को रीड किया जाता है और मेमोरी में लोड किया जाता है ठीक है दूसरा कंपाइलर जो है रीड करता है मेमोरी में लोड किया हुआ प्रोग्राम यानि कि पहले दो दूसरा तीन और सिंगल ही ऑप्शन था ऐसा बी ऑप्शन जिसमें दो तीन एक चार पांच है ठीक है तो जो कंपाइलर लोड करता है उसका जो काम है है ना नॉन आई टी हा नहीं ऐसा कुछ नहीं था राइट आंसर आपका हो जाएगा दो एक दो तीन एक चार पांच ठीक है फिर आ जाता है यहां पर एक नेटवर्क पर दो संस्थाओं के बीच निजी संचार की अनधिकृत वास्तविक समय अवरोधन या निगरानी इसे हम लोग कहते हैं इसको प्रश्न प्रश्न ये प्रस्री हम करवा चुके हैं ठीक है हाँ हाँ ठीक है हाँ इसे हम लोग कहते हैं क्या इसे हम लोग कहते हैं हाँ इसे हम लोग कहते हैं स्नूपिंग प्रत्येक फाइल को फाइल मोड द्वारा अधिगम किया जाता है जा सकता है ठीक है अब फाइल मोड जो आर है उस आर का मतलब क्या है आर का मतलब है कि उसे हम लोग केवल रीड कर सकते हैं केवल पढ़ सकते हैं ठीक है थीके? केवल रीड करना है इसको है ना केवल रीड करने में हम लोग इसका यूज करते हैं ठीक है थीके? अगला है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है याहू है डगडगो है बिंग है डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो सर्च इंजन नहीं है अगला द्विआधारी अंक डैश को 11 से भाग देने पर आउटपुट 10 होता है तो देखो इसको सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं कि जो 11 है ठीक है और जो 10 है ठीक है तो जो 11 बाइनरी है और जो 10 बाइनरी है वो किसकी होती है वो होती है ये होती है आप लोगों की जीरो वन उसके बाद में आता है टू ना वन वन जीरो ये हो जाता है आपका टू और ये हो जाता है थ्री तो तीन छे, और छह की बाइनरी एक सौ दस आउटपुट आपका एक सौ दस हो जाएगा ठीक हाँ, है, 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 जाएगा, है जाएगा, हाँ देख लेंगे वो वापस कोई बात नहीं चलो टचपेड पर कार्य करते समय हमारे पास एक पेन होता है जिसे हम लोग स्टाइलस कहते हैं टच पेड पर स्टाइलस का यूज किया जाता है ठीक है चलो ये दिया है कि भाई आप लोगों को प्रश्न किसी आंकड़े को ग्राफीय निरूपण करना एक्सेल का मुख्य गुण है और ग्राफीय निरूपण करना है तो हम लोग क्या है हम लोग जनरली ग्राफ यूज कर सकते हैं इसे पहचाने और चित्र में दिए गए ग्राफ को किस नाम से इंगित करते हैं तो ये आप लोगों का कॉलम चार्ट है बार चार्ट ऐसा वाला होता है कॉलम चार्ट सीधा होता तो ये कॉलम चार्ट है और प्लस ग्राफ राइट आंसर एटी का ए अगला 88. एट एसेंडिंग ऑर्डर में करें तो सबसे बड़ी संख्या आरोही क्रम में सबसे लास्ट में कौन सी संख्या आएगी सबसे लास्ट में आएगी 0.15. सबसे लास्ट में आएगी 0.15. देखो भाई एक का क्यूब करेंगे पॉइंट का तो ये तो अंदर अंदर जाएगी डबल जीरो ग्यारह डबल जीरो माइनस है तो माइनस तो वैसे भी जीरो से छोटा है अगला 89. सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर को किस से दर्शाते हैं तो इसे दर्शाते हैं हैश से हैश से आप लोगों के प्री प्रोसेसर जो है स्टार्ट होते हैं ठीक है 89 का सी 90 नंबर प्रश्न सभी सर्च इंजन डैश डेटा का प्रयोग करते हैं जहां डेटा खुद से जनरेट होता है जैसे तार्किक डेटाबेस तो डेटा से डेटा निकलता डेटा अबाउट डेटा निकलता है इसे हम लोग यहां पर नाम देते हैं मेटा डेटा ठीक है तो सभी सर्च इंजिन जो है वो मेटा डेटा का प्रयोग करते हैं ताकि डेटा खुद से जनरेट कर सकते क्योंकि जो आज तक एक्सप्लेन किया जो आज तक यूज किया है उन सारी चीजों का जो निचोड़ है वो यहां पर मिलता है ठीक है नाइनटी वन नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए और किन इनमें से भिन्न शब्द का चयन कीजिए

ये पी कॉन्सोनेंट है पी कॉन्सोनेंट है बी कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट ये आपका जो है वो है क्या वो है आप लोगों का वाउल लेकिन आंसर इसका होगा बॉल क्योंकि बाकी सारी चीज़ें पढ़ाई से संबंधित है और बॉल जो है वो खेलने से संबंधित है पढ़ाई से संबंधित नहीं है ठीक है नाइन्टी टू नंबर प्रश्न ये देखिएगा एक बच्चा अपने घर के विपरीत स्थित स्कूल जाने के लिए सड़क पार करना चाहता है बच्चा सड़क पार करने के लिए इधर भी देखता है इधर भी देखता है दोनों तरफ कुछ भी नहीं है फिर आगे चला जाता है तो ये क्या है तो इसे हम लोग कहते हैं कि जब आपने देखा कोई भी इनपुट या कोई भी आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर सेलेक्शन ठीक है आपने इधर देखा कुछ भी नहीं था इधर देखा कुछ भी नहीं था फाइनली आपने चुनाव किया कि मुझे आगे चला जाना चाहिए ठीक है तो ये आपका सेलेक्शन है अगला Uh, कौन सी सबसे कम सिक्योर और रिलायबल है तो ये टॉपोलॉजी आपकी बस है मैश uh, ट्री हालांकि ट्री जो है रिलायबल भी नहीं होती है ट्री की बात करें तो रिलायबल भी नहीं है स्टार आप लोगों की सिक्योर है लेकिन ज्यादा रिलायबल नहीं है बोल रहा है कि भाई रिलायबल तो है लेकिन सिक्योर कम है तो ये आप लोगों की बस टोपोलॉजी हो जाएगी ठीक है अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या चौरानवे देखो भाई एक क्लास की प्रॉपर्टी को जब दूसरी क्लास लेती है तो इसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं है ना एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास के द्वारा लेना इसे इनहेरिटेंस कहा जाता है 94 राइट आंसर डी अब देखो यहाँ पर आ, कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनपुट आउटपुट ये जो है आप लोगों का ये वाला समांतर चतुर्भुज जिसे हम लोग कहते हैं वो जनरेट करता है 95 का ए हो जाएगा ये किसी ने डी लिखा है रेक्टेंगल रेक्टेंगल का यूज हम लोग यहां पर नहीं करते हैं। वो जो है प्रोसेस के दौरान करते ठीक है हाँ प्रश्न संख्या पंचानवे राइट आंसर ए छियानवे छियानवे ये आप लोगों को मैथ सॉल्व करना है भाई ये आप खुद ही कर लेना ठीक है इतना आप हो सब हो अगला सन्तानवे आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखी है दो उनके बेस पर आंसर देना है तो देखो भाई क्या है कि मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ठीक है नदी के किनारे खड़ा है ये रीजनिंग का प्रश्न है तो वो बोलता है कि भाई पहले तो उसको साठ डिग्री कौन दिखता है वो जब थोड़ा दूर जाता है तो उसे वहाँ से तीस डिग्री जो है थोड़ा सा कौन छोटा दिखता है तो उसके लिए आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है कि द ए एंगल चेंजड एंगल इज़ फाउंड टू बी थर्टी डिग्री ही नोटिस दैट वैन ही मूव फोर्टी मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ट्री सब टोटल सबस्टेंड थर्टी डिग्री एंगल ऑन अदर साइड ऑफ द रिवर मतलब जब ये दूर गया तो तीस डिग्री का एंगल जो है बन गया ठीक है प्रश्न संख्या तो अभी तक इसके अंदर आंसर है कि दूसरा सफिशियंट आंसर के लिए है ना रीजनिंग का प्रश्न था चलिए मैं एक मेमोरी यंत्र हूं मुझे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर ये प्रश्न बहुत पड़े हैं ये आपका हो जाएगा स्टेटिक्रेम स्टेटिक रैम हो जाएगी जो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनती है लेचेज का भी यूज होता है हालांकि कैपेसिटर जो है प्रोप, जो है है वो वो प्रॉपर तरीके से डायनामिक मेमोरी में यूज होते हैं बट जब ट्रांजिस्टर और लेचेज या कैपेसिटर सब आ जाए तो फिर स्टेटिक रैम हो जाएगी ठीक है चलिए ये देखिएगा वेब आधारित आई का प्रयोग जो है वो परस्पर संवादात्मक वेबसाइट को विकसित करने के लिए किया जाता है अब वेब आधारित जो है वो कौन कौन से हैं आपके अब देखो एच जो है वो तो एक लैंग्वेज हो गई रूबी एक लैंग्वेज है पाइथन भी लैंग्वेज है रूबी जो है वो डायनामिक वेब पेज बना सकता है डायनामिक वेब पेज बना सकता है ठीक है अब ये बोलता है कि वेब आधारित आई का प्रयोग करना हो तो ये यहाँ पर विजुअल स्टूडियो जो है वो इन वेबसाइट्स uh, जो है या वेब पेजेस को बनाने का काम करता है तो थोड़ा सा आंसर यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ले सकते हैं बाकी रूबी जो है वो डायनामिक वेब पेज बनाता है ये भी प्रश्न आज एक पूछा गया था इसके अंदर चलिए ये देखो छह लड़के अगेन ये है आप लोगों का रीजनिंग का सवाल इसका आंसर हो जाएगा बी वॉज बोर्न इन 1951 फिफ्टी में आया था ठीक है चलो अगला एक मानक मशीन भाषा कोड देखो जब जावा की बात करते हैं ना आप लोग जावा में जब हम सोर्स कोड देते हैं तो एक मीडिएटर कोड बनता है जिसे हम लोग बाइट कोड कहते हैं उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि जो जावा लैंग्वेज है उसमें आप लोगों के पास में एक प्रकार का बाइट कोड जनरेट हो जाता है सोर्स कोड फिर बाइट कोड और फिर उसके बाद में जो है आपका आ, लास्ट में जा के ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है या बनता है ठीक है Uh, चार सेट है रीजनिंग का सवाल है पाँच नौ निन्यानवे आपका सही है दर्पण चित्र जो है ये इसका डी आंसर आपका एकदम एक सही है ठीक है चलो अज्ञात चित्र बनाइए पहले आधा एक बटा चार फिर आधा फिर ऐसा भरेगा तो बी आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पर ठीक है चलिए एक एल्गोरिदम दी है फैक्ट एन इफ एन इक्वल्स टू जीरो रिटर्न वन एल्स रिटर्न एन गुणा फैक्ट एन माइनस वन ये क्या है तो देखो हम लोग जब इफ इफ एल्स की बात करते हैं ना इफ एल्स तो या तो ये ले लो या तो ये ले लो तो सही है तो ठीक है नहीं है तो गलत वाला चूज कर दो तो इफ एल्स जो है वो सेलेक्शन में यूज किया जाता है इसलिए आंसर भी हमारा यहां पर हो जाएगा सेलेक्शन एल्स वाला प्रश्न जो है वो सेलेक्शन में यूज होगा ठीक है चलिए 106 नंबर है प्लस माइनस गुणा भाग करना है आंसर आपका डी होगा 330 303 तीन ठीक है 106 का 303 107 देखो ये कहता है कि विकसित उपकरण जैसे टेक्स्ट एडिटर कोड लाइब्रेरी कंपाइलर और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जो है वो आईडी इन सबको एक साथ देता है तो ये सिंगल फ्रेमवर्क में मौजूद रहते हैं सिंगल फ्रेमवर्क हो जाएगा यहां पर सिंगल फ्रेमवर्क ठीक है हाँ हाँ चलिए अगला प्रश्न 108 सौ देखो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है वर्चुअल मेमोरी जब सुनते हैं तो एक ही बात आती है कि भाई हार्ड डिस्क का कुछ भाग प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करता है हार्ड डिस्क का कुछ भाग प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करता है उसे हम लोग जो है वर्चुअल मेमोरी कहते हैं तो वर्चुअल मेमोरी का आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या कि सेकेंडरी मेमोरी कैन बी यूज एज मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग मेन मेमोरी की तरह यूज में लिया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं जिसे हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं ठीक है ठीके? चलो अगला आईडीई सूट कंसोलिडेट बेसिक टूल्स जिसमें बनाना और उसे टेस्ट करना होता है तो आई डी ई जो है उसके अंदर आपका एक तो राइट हो जाएगा दूसरा हो जाएगा टेस्ट करना बनाना और उसे टेस्ट करना ये आई डी ई सपोर्ट करता है ठीक है अगला अज्ञात संख्या को ज्ञात करो चलो अज्ञात संख्या है वो आपकी हो जाएगी साठ यहां पर रीजनिंग का प्रश्न है साठ एक सौ ग्यारह एनालॉग सिग्नल ये देखो सिग्नल आर डिस्क्रीट यानी कि जो असतत होते हैं वो एनालॉग नहीं है ये आपके डिजिटल सिग्नल होते हैं डिजिटल सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट होते हैं है ना रीजनिंग के तो सवाल भी ज्यादा नहीं है और रीजनिंग तो इजी uh, थी ज्यादा टफ नहीं है ना तो एनालॉग डिजिटल सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट होते हैं एनालॉग नहीं होंगे ठीक है इस, इस पेपर में एनालॉग किया हुआ है चलो एक सेंडर से रिसीवर की ओर जब डेटा भेजते हैं मॉडर्न ऑन इंटरनेट द डेटा फर्स्ट कन्वर्ट तो सबसे पहले वो डेटा जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है एनालॉग ठीक है डैश फ्रॉम डैश तो एनालॉग डिजिटल फ्रॉम एनालॉग ठीक है तो जब हम लोग ये होता है कि प्रेषक से ग्राहक डेटा का स्थानांतरण इंटरनेट पर मॉडम के द्वारा होते जिसमें डेटा प्रथमतः डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित होता है होता है ना मॉड्यूलेटर तो डिजिटल से एनालॉग और डी मॉड्यूलेटर एनालॉग टू डिजिटल ठीक है आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री तो जी के प्रश्न ही आते हैं uh, मैं तो पहले दिन से बात कर रहे थे ना कि भाई पेपर कंप्यूटर का है हाँ 2018 में जीके ज्यादा पूछ ली थी इसलिए मामला गड़बड़ हो गया था इस बार प्योर कंप्यूटर है जो प्योर कंप्यूटर जिसने पढ़ाई करी है उसी का काम होगा ठीक है उसी का काम होगा ठीक है अगला 114 15 पंद्रह ए पंद्रह बी में राइट आंसर आपका 25 होगा 114 नंबर प्रश्न में 115 संबंधित संक्रिया को ए एल द्वारा अधिकृत किए देखो ये रिलेशनल जब काम करते हैं तो रिलेशनल जो है आप लोगों का वहां पर आप लोगों के पास में जो चीजें हैं देखो भाई रिलेशन या तो जीरो होता है या वन होता है यानी कि बोलते हैं कि या ए इज ग्रेटर देन बी या तो ट्रू या तो फॉल्स ये कहता है कि उस प्रक्रिया को जब ए में लेते हैं यानी कि जीरो और वन में लेते हैं तो अधिकतम संभव निर्गत अधिकतम मैक्सिमम आउटपुट कितने हो सकते हैं दो हो सकते हैं या तो जीरो या तो वन यानी कि जब रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो दो ही चीजें हैं आपके पास में या तो आप लोग जो है जीरो में आउटपुट दोगे या फिर आप लोग वहां पर जो है एनालॉग दे सकते हैं ठीक है चले कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है तो चेक नहीं है एंड और नोट तो होते हैं ठीक है अगला जब आपका मोबाइल में स्मार्टफोन में सारा कंटेंट इकट्ठा करके आप लोग एक जगह डाल देते हो उसे हम लोगों ने कंप्यूटर में जब हम प्रोसेसर पढ़े थे तो मैंने कहा था कि सिस्टम ऑन ए चिप कंप्यूटर ऑन ए चिप क्योंकि पूरा कंप्यूटर एक चिप पर निर्भर करता है ये बोल रहा है कि भाई जब प्रोसेसर को बनाने हैं तो सारे घटक को स्मार्टफोन में इकट्ठा कर देते हैं इसे कहते हैं सिस्टम ऑन ए चिप इसे कहते हैं सिस्टम ऑन ए चिप चलिए अगला प्रश्न ये भाई रवि और गौरव का आंसर है उसके अंदर अंकल हो जाएगा एक का सही एकदम ठीक है सी में जब आप लोगों को आ, यूजर डिफाइंड फंक्शंस लगाने हैं तो आप लोग वहां पर यूज करोगे किसका डिफाइन और छोटे अक्षरों में लिखा था ना हैज़ डिफाइन मैक्स फिर लिखते हैं दस तो ये जो डिफाइन है छोटे अक्षरों वाला इसका हम लोग वहां पर यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए वन वन नाइन राइट आंसर बी एक सौ बीस जीरो पॉइंट वन जीरो वन वन जीरो पॉइंट वन जीरो बाइनरी है डेसिमल में ले जाना है जीरो पॉइंट सिक्स एट सेवन फाइव जीरो पॉइंट सिक्स एट सेवन फाइव चलो ये कहता है कि बेस्ट सॉफ्टवेयर डायनामिक पेजेस को क्रिएट करने के लिए तो ये एक लैंग्वेज है रूबी जिसमें हम लोग डायनामिक बना सकते हैं एचटीएमएल में स्टैटिक बनाते हैं है ना हाँ यहाँ पर हो जाएगा डायनामिक हमने बात करी थी डायनामिक पेजेस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं ठीक है थीके? ये देखो अर्थ स्काई है वो है तो पक्षी कहाँ उठेंगे लैंड पे क्योंकि स्काई को लैंड बोला गया ठीक है चलिए पांच रिंग है ओलंपिक की जिसमें से चार कलर तो दे दिए हैं कौन कौन से आ, लाल हरा येलो ब्लू अगला जो है वो ब्लैक होता है पांचवा कलर काला है ओलंपिक की रिंग्स के अंदर चलो ये देखो कि कौन सी संख्या है जो सभी चित्रों में मौजूद है तो वो संख्या है आपकी चार जो इसमें भी है त्रिभुज में भी है इसमें भी है और आयत में भी है चार आंसर हो जाएगा यहाँ पर है कि जब आप लोग कीबोर्ड पे काम करते हो आपने देखा जब आप लोग लॉग इन करते हो आईडी पासवर्ड लिखते हो तो पासवर्ड के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे कीबोर्ड नजर आता है क्या आप वो टाइप नहीं करके उसको यूज कर लो उसे हम लोग कहते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बहुत प्यारा प्रश्न ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहते हैं जिसका यूज आप लोग कर सकते हैं ठीक है चलिए एक 126 देखो ये भी प्यारा प्रश्न है कि अनुज अपने बैंक से किसी एजेंसी को पैसे स्थानांतरित कर रहा है बार बार प्रयास के बावजूद बैंक का कनेक्शन जुड़ नहीं पा रहा है वित्तीय लेन देन के कारण कुछ कुकीज सत्र को यानी सेशन को समाप्त करने में मदद करते हैं जहां समय सीमा निश्चित होती है ये वाली कुकीज जो है वो सेशन कुकीज कहलाती है यानी कि जैसे आपने लॉग किया और लॉग करने के बाद में आ, दो मिनट तक आपने कुछ भी नहीं किया तो दो मिनट बाद में ऑटोमेटिक आपका जो सेशन है वो समाप्त हो जाता है तो इन कुकीज को सेशन कुकीज कहा जाता है, है ना इन कुकीज को सेशन कुकीज कहा जाता है अगला माउस का कौन सा बटन दबाने से जो है विभिन्न प्रकार के मेन्यूज खुलते हैं ना तो सीधी सीधी बात राइट बटन दबाओगे तो आप लोगों को वहां पर जो है सारी चीजें ओपन हो जाएगी मेन्यू ओपन हो जाएगा चलिए आइडेंटिफाई द गेटवे फॉर सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी एट होम्स घर पे अगर सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो आप लोगों को वहां पर किससे कॉन्टेक्ट करना होता है इंटरनेट सर्विस प्रदाता से यही आपका गेट देखो अगर नॉर्मल इंटरनेटवर्क नेटवर्क बनाना तब तो लेन सही है ये बोलता है कि द गेटवे फॉर सिंपल इंटरनेट कनेक्शन एट होम तो हमारे घरों में जब सिंपल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो हम लोग आईएसपी से कांटेक्ट करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो है वो कांटेक्ट करते हैं राइट आंसर एक का बी एक सौ देखो जब आप ब्राउज़र ओपन करते हो ना तो ब्राउज़र में कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कुछ नए या कुछ एडवांस काम करने के लिए तो वो जो है ब्राउज़र के साथ में एक्सटेंशंस ऐड होते हैं है ना तो एक्सटेंशन जो है वो एक कंप्लीट प्रोग्राम है जो था, जो होस्ट कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है और ब्राउज़र पर मल्टीपल फंक्शनैलिटी के लिए जो है वो सपोर्ट करता है ब्राउज़र के साथ मल्टीपल फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है ठीक है ये कहता है कि चार कमीज और दो पेंट हजार के हैं तो छह कमीज और तीन पेंट कितने होंगे सीधी सीधी भाषा में चार और दो छे का भाग तीस हजार में पांच बार जाता है तो छ तीन नौ को पांच से गुना करके हम लोग पैतालीस निकाल सकते हैं ठीक है चलिए अज्ञात संख्या यहां पर हो जाएगा इक्कीस साठ जो अज्ञात संख्या है वो इक्कीस हो जाएगी ठीक है अब देखो प्रश्न बहुत प्यारा है ये जांच करें कि तीन चर है एक तो चर है आपका एज वन एक है एज टू एक है एज थ्री ये बताना है कि तीनों एक दूसरे के बराबर है ये कैसे चेक करोगे तो सिंगल बराबर तो असाइनमेंट होता ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये सी ऑप्शन सही है यहां पर जहां पर एज वन डबल इक्वल्स टू एज टू ठीक है एंड एज टू इक्वल डबल इक्वल्स टू एज थ्री तो वन और टू बराबर और टू और थ्री बराबर तो ये काम सही हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ठीक है अगला रिपीटेड डिवीजन मेथड बाय टू यानी कि दो से लगातार भाग देकर के आप किस संख्या को किस संख्या में बदलते हो तो आप लोग डेसिमल को बाइनरी में बदलते हो लगातार भाग देकर के डेसिमल को बाइनरी में बदलते हो 133 का बी 134 चार व्यक्ति पार्टी में हाथ मिलाते हैं अब देखो ये चार व्यक्ति जो है मैस टोपोलॉजी का प्रश्न है ये जैसे चार लोग हैं ठीक है थीके? ये ए ये बी ये सी ये डी चार कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए कितने तार चाहिए तो सीधा बात है चार गुणा चार माइनस एक बटा दो चार माइनस एक को हम लोग तीन लिखेंगे तो चार गुणा तीन बटा दो दो से तीन छे आ, दो दुनिया चार और तीन दुनी छ राइट आंसर हो जाएगा छः ठीक है ये मैच टोपोलॉजी का प्रश्न था चार लोग हाथ मिलाते हैं तो सभी कितनी बार हाथ मिलाएंगे तो, तो टोटल छः बार हाथ जो है वो मिलाया जाएगा इसके अंदर ठीक है वन थ्री फाइव बारह और तेरह के अनुपात में दो संख्या है एच सी एफ ग्यारह है तो क्या आंसर होगा वो होगा एक सौ बत्तीस और एक सौ तैयलीस ठीक है एक सौ बत्तीस और एक सौ तेयस एक सौ पैंतीस एक सौ छत्तीस किसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप लोगों को एम एस वर्ड में टेबल चाहिए तो टेबल के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा इंसर्ट फिर टेबल का जो है वो जो आपका ब्लॉक है वो ही अलग है तो इंसर्ट में जाकर के टेबल लेनी पड़ेगी अगर आप लोग टेबल लेना चाहते हैं तो एक सौ ये देखो न्यायाधीश सिपाही और चोर आंसर हो जाएगा न्यायाधीश सिपाही चोर तीनों अलग अलग है राइट आंसर ए ठीक है राइट आंसर ए सो अड़तीस एंडिस इज होमोजीनियस होमोजीनियस का मतलब एरे हो गया होमोजीनियस जो होता है वो एरे होता है यहां तक ठीक है दूसरी बात देखो एरे तो हो गया दूसरा कि उसका इंडेक्स नंबर कहां से शुरू होता है तो एरे का जो हम लोग ये बनाते हैं इसका इंडेक्स नंबर जो हमेशा जीरो वन टू थ्री ऐसे होता है तो इंडेक्स नंबर हमेशा जीरो होता है तो होमोजीनियस जो फंक्शन है वो एरे है और उसका इंडेक्स नंबर है वो जीरो होता है शुरुआती ठीक है प्रश्न संख्या एक राइट आंसर right आपका हो जाएगा एरे और जीरो एक देखो Uh, आप लोग जब एनालॉग वॉइस सिग्नल्स को डिजिटल में और उन्हें ट्रांसमिट करना चाहते हो तो इसे हम लोग वी ओ आई पी कहते हैं जो हम लोग फोन में भी यूज करते हैं जनरली वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है यानी कि आवाज एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट ट्रांसमिट uh, करो तो इसे वी ओ आई पी कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल 140 140 में दिया है कि एक संख्या दी है बाइनरी इसको हैगजा डेसीमल में लेकर के जाओ तो एग्जा डेसीमल में लेके जाओ तो सीधी बात है चार चार के जोड़े बना दो ठीक है चार चार के जोड़े बना दो ये ग्यारह ग्यारह है इसको हम लोग एफ़ बोलेंगे एफ यहाँ पर है और यहाँ पर है उसके बाद में ये देखो जीरो 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 एक यानी कि एक ठीक है उसके बाद में ये आपका छः और ये आपका नौ तो वन सिक्स नाइन यानी कि ए आंसर हो जाएगा जब हम लोग बाइनरी को हेक्जा डेसीमल में लेके जाएंगे तो ए हो जाएगा एक सौ इकतालीस देखो 141 आप लोगों का कहता है हाँ एल्गोरिदम को पढ़े और चुने कि किस प्रकार की छंटाई यानी कि किस प्रकार की सॉर्टिंग का यूज है ठीक है सेट ए बराबर जीरो वाइल सबसे छोटा बिना छटाई वाला आइटम ज्ञात करें सबसे छोटे सेट ए से ए प्लस वन यानी कि एक नंबर और फिर दो नंबर इन दोनों को आपस में जो है कंपेयर करके अदला बदली करनी है इसे हम लोग जनरली है ना इसे हम लोग जनरली कहें तो बबल शोटिंग में काउंट करते हैं जहाँ पर प्रत्येक नंबर के छोटे छोटे बुलबुलें बन जाते हैं और उन बुलबुलों के आधार पर आपस में जो है पास वाले बुलबुलें से कंपेरिजन किया जाता है ठीक है जब तक सॉर्ट नहीं होता तब तक ये मेथड चलती रहती है ठीक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर कहते हैं ये एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट कर देते हैं लाइन प्रिंट की वापस आया वापस लाइन प्रिंट की वापस आया तो एक बार में वन फोर टू पूरी की पूरी लाइन प्रिंट कर देता है ठीक है एक सौ अगेन कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेटमेंट है कि भाई क्या करोगे कैसे करोगे तो विद्यालय का एक विद्यार्थी बाकी विद्यार्थियों के साथ कठोर व्यवहार करता है और मारपीट करता है तो स्कूल काउंसलर को उसके साथ बैठना चाहिए और सेशन करना चाहिए ठीक है यहाँ पर आपका एक सौ नंबर प्रश्न राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए सीधा स्कूल से बाहर नहीं निकालना चाहिए ठीक है एक सौ चालीस ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है आठ ठीक है राशि ट्वाइस पूछा है तो आंसर आपका इसका बारह साल हो जाएगा राशि सुनीता से दुगुनी है बारह आंसर सही है इसका एक्सेल सीट में देखो ये रहा ध्यान से देखिएगा ऐसा प्रश्न पिछली बार 2018 के सूचना सहायक के पेपर में भी आया था देखो इफ ए वन बराबर सी वन ए वन बराबर सी वन क्या बराबर है क्या नहीं है इसका मतलब सबसे पहले निकलेगा फॉल्स ठीक है ये कहता है ए टू सी टू ए uh, टू और सी टू बराबर है इसका मतलब यहाँ से निकलेगा ट्रू बी थ्री डी थ्री यानी कि ये और ये बराबर है यानी कि निकलेगा ट्रू राइट आंसर हो जाएगा डी एक फो, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है और तीसरा भी ट्रू है ठीक है प्रश्न नंबर कौन सा था ये आपका एक राइट आंसर डी एक यह आप लोगों के पास में एक दिया है एक वेबसाइट ये बोल रहा है कि डोमेन कौन सा है तो डोमेन आपका है एन और वेब पेज से संबंधित किससे है ठीक है किससे संबंधित है तो ये संबंधित है कौन सा वेब पेज आप खोल रहे हो वो खोल रहे हो आप लोग टेक्सट बुक डॉट एच टी एम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा पहला और चौथा ठीक है पहला और चौथा जिसमें आप लोगों के सामने जो है एन सी आर टी तो डोमेन हो जाएगा ठीक है और टेक्स्ट बुक आपका पेज हो जाएगा ठीक है तो कौन सा डोमेन है और कौन सा पेज है तो ये आप लोगों का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ठीक है एक मधु साइकिल चलाती है इसका आंसर एक किलोमीटर हो जाएगा भाई है ना ठीक है ये देखो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल एनालॉग सिग्नल है जो वेरिएशन में चलते हैं कभी सुगंध ज्यादा आती है कभी सुगंध कम आती है तो स्मेल आपका एनालॉग है और स्कैनिंग जब डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करके कंप्यूटर में भेजते हो तो वो डिजिटल पैटर्न में जाता है बिट्स की स्ट्रीम के अंदर तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि वन फोर्टी नाइन वन फोर्टी नाइन जो स्मेल है वो आपका एनालॉग सिग्नल है और स्कैन करना जो है वो आप लोगों का डिजिटल सिग्नल है वन फोर्टी नाइन अगला लास्ट सवाल है 150 ये कहता है भाई कि बीच में कौन आएगा डिक्शनरी देखें तो तो बी और बी लास्ट में ए ए ए एन ए एन एस एम एन ओ पी क्यू आर एस तो आशीष जो है वो बीच में आएगा डेढ़ सौ का सी आंसर आपका हो जाएगा ठीक है भाई तो ये हमारे टोटल डेढ़ सौ प्रश्न में करवा चुका हूँ आप लोगों को है सब सबके आंसर करवा दिए हैं आप लोगों को अब देखो कि सर अब बता दो कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है तो देखो अगर एक बात करें तो सिंपल सी बात है मैं रफली रफली बात करता हूँ कि पचहत्तर हज़ार से अस्सी हज़ार के आसपास जो है एग्ज़ाम है ठीक है स्टूडेंट्स वैकेंसी है सत्ताईस सौ तीस ठीक है यानी कि जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और जो वैकेंसीज है ठीक है ये मामला है तो अगर हम लोग रफली रफली बात करें तो पेपर जो है वो ईजी नहीं था मैं ऐसा कहूँगा ईजी नहीं था लेकिन टफ भी नहीं था तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पेपर है ये मध्यम स्तर कहेंगे इसे मैं आसान नहीं कहूँगा मॉडरेट जो पेपर होता है ना और मॉडरेट का मतलब ये होता है कि जिसने वास्तव में बड़े लेवल की नहीं एक छोटे एक अच्छे लेवल की भी अगर पढ़ाई करी है है ना अगर अच्छे लेवल की पढ़ाई करिए ना मैं बहुत बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा तो भी उसका मामला सेट हो जाएगा आराम से हो जाएगा वैकेंसी ज़्यादा है लोग पचहत्तर हज़ार पे आ चुके हैं तो मामला बहुत सही है और इसके अंदर जो रफली रफली जैसे लिस्ट लास्ट टाइम जो थी वो मेरिट गई थी लगभग लगभग पचहत्तर से लेकर के सत्तर के बीच में है ना पचहत्तर से 70 अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो पैसठ से सत्तर सॉरी क्वेश्चन देखूं तो डेढ़ सौ में से सत्तर की बात करें तो एक सौ होता है और यहां पर मैं यूं बोलूँ तो 95 फाइव टू एक सौ क्वेश्चन की लगभग लगभग लग लग मान लो ये मेरिट जो थी वो लास्ट टाइम गई थी ठीक है अब अगर आज की बात करें तो इस पेपर के अनुसार भी मैं इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है ना वैकेंसी ज्यादा है इसलिए थोड़ा नीचे मेरिट जा सकती है बट आ, मोटे मोटे तौर पर पैंसठ से पचहत्तर प्रतिशत ठीक है ये जो है सिनेरियो है और क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन जो है वही आप लोगों का 95 से लेकर के 110 बस इससे ऊपर नहीं जाएगी ये मोटा मोटा इसमें मैं एक की बात नहीं कर रहा ओ बी सी एस सी एस टी जनरल सब के सब है ठीक है 110 के आसपास 110 के अंदर अंदर है आराम से वैकेंसी ज़्यादा लोग कम है ठीक है पंचानवे तो ठीक मेरे आपके हिसाब से हमें ये ये रेशियो है तो मतलब पंचानवे प्लस जो है उनका तो टाइपिंग में नंबर आ जाएगा आराम से फाइनल का मैं कुछ नहीं कह सकता ये आसपास आसपास जो है वो फाइनल रहने वाला है ठीक है तो टाइपिंग जिनका पंचानवे क्वेश्चन पंचानवे से सौ क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आराम से टाइपिंग करो और हो सकता है टाइपिंग में नब्बे तक भी चली जाए उसका कुछ नहीं कह सकते जैसा लास्ट टाइम भी हुआ था पंचानवे से एक सौ दस के बीच में जो है वो अपने आप को सेफ मान करके टाइपिंग की तैयारी कर दो आज से ही वेट मत करो कि रिजल्ट आए तब टाइपिंग करूँ दो तीन महीने हैं आराम से बीस की स्पीड निकालनी है तो उस पर फोकस करो ठीक है तो मिलेंगे आपसे कल जो भी आगामी क्लासेस होगी उनके अंदर ठीक है तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड